25,000 से कम आबादी वाले शहरों में शुमार माता श्री नैना देवी के धार्मिक नगरी पूरे प्रदेश में अव्वल आई है। हालांकि पिछली बार इस पावन नगरी को छठा स्थान मिला था, लेकिन उसमें सुधार करते हुए ये माता का धार्मिक स्थल अब साफ सफाई के मामले में नंबर वन बना है। माता जी का ये दर्शन स्थल जहां हर समय श्रद्धालुओं और पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है, यहां पर सफाई बेहतर रखने के लिए नगर परिषद की जिम्मेदारी बहुत बनती है। हालांकि उसमें फिर नंबर वन आना ये दर्शाता है कि यहाँ प्रशासनिक अमले ने सही काम किया है, जिसके लिए नगर परिषद प्रशासन, मंदिर प्रशासन व स्थानीय लोग बधाई के पात्र हैं। नगर परिषद में कूड़ा लेने आते हैं, बहुत से जो कूड़े थे उसमें कूड़ा अलग अलग पड़ता है। शुरू शुरू की दिक्कत आई, लेकिन बाद में सभी से पता लगा, जागरूक हुए तो लोग सूखा और गिलास कूड़ा करना शुरू कर दिया और साथ ही प्लास्टिक करना शुरू कर दिया और आस्ते आस्ते से सर पड़ते गई और कूड़ा अलग अलग रखना शुरू कर दिया और इसके कारण नगर परिषद जो है वो प्रथम सफाई प्रथम ध्यान दिया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में श्री नैना देवी जी नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी व SDM सुभाष गौतम ने इस कार्य के लिए विशेष रुचि दिखाई, जिन्होंने कई तरह की योजनाएं इस शहर को साफ सफाई में अव्वल लाने के लिए उठाए हैं। हालांकि शुरू शुरू में लोगों ने इस पे दिक्कतें जरूर पैदा की थी, लेकिन आज जो परिणाम है उससे सभी गर्व महसूस कर रहे हैं। श्री नैना देवी में घर घर से कूड़ा इकट्ठा करने के अलावा घरों में ही सूखे और गीले कचरे को अलग अलग किया जा रहा है। इसके अलावा प्लास्टिक का कूड़ा अलग से लिया जाता है। कई तरह के ऐसे व्यापक कदम उठाए गए हैं जिससे श्री नैना देवी नगर परिषद हिमाचल प्रदेश में अव्वल आई है। सर्वेक्षण 2020 में श्री नैना देवी जी नगर परिषद जो है वो पहले स्थान पर रही है इस कैटेगरी में कि जो शहर 25,000 से कम जनसंख्या वाले नगर परिषद या नगर पंचायतें हैं, तो इसमें जो है पहला स्थान प्राप्त किया है नगर परिषद नैना देवी ने। और पिछले साल जो है ये रैंकिंग जो है 6वें नंबर पे थी, 6ठे स्थान पर हम रहे थे 2019 की जो रैंकिंग थी। तो इसके लिए जो एक तो मैं श्रेय देना चाहूंगा जो सामंजस्य और जो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन रही है टेबल ट्रस्ट के बीच में और नगर परिषद के बीच में, तो उसको श्रेय जाता है और स्थानीय लोगों का जो सहयोग रहा है स्वच्छता को मेंटेन करने में। तो इसके तहत खासकर जो हमारे वाटर कलेक्शन का जो सिस्टम है वो एक बहुत अच्छा सिस्टम है। उसके साथ ही जो लोगों ने घर पे अपना कूड़ा सेग्रीगेट किया है, उसका पृथकीकरण किया है, वो एक सफल रहा है। साथ में हमारी जो हमारी MRF फैसिलिटी है वो अच्छी मेंटेन्ड है, जो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी है, इसके साथ जो प्लास्टिक बायबैक पॉलिसी है उस पर अच्छा हुआ है नगर परिषद में। तो सभी लोग जो नगर परिषद श्री नैना देवी जी में जो रहने वाले हैं उनके सहयोग के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं और भविष्य में भी जो है हम इसको और बेहतर करेंगे ये कामना करता हूं और अपील भी करता हूं कि नगर परिषद नैना देवी में जो है एक रूपता बनाए रखने के लिए और स्वच्छता बनाए रखने के लिए कुछ डिसीजन जो हमने अलग अलग स्तर पे चाहे नगर परिषद के स्तर पे लिए हैं चाहे मंदिर ट्रस्ट के स्तर पे लिए हैं, तो उसमें भी हमारा सहयोग ताकि आने वाले दिनों में जो है और अच्छा शहर जो है लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकें और अच्छी सफाई व्यवस्था के साथ अगले स्वच्छ सर्वेक्षण में भी अच्छे जो रैंक है वो हासिल कर सकें।